हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो खूनी बवासीर है, इसमें बहुत ज़्यादा खून आता रहता है, दर्द होता है, जलन होती है और ख़ारिश सी होती है, और इसकी वजह से मरीज़ बहुत ज़्यादा परेशान होता है। और परेशान होने के साथ साथ वो इससे डर भी रहा होता है कि इसका ऑपरेशन ना करवाना पड़ जाए। ऑपरेशन से भी डर रहा है, लेकिन ये मुसीबत जान भी नहीं छोड़ रही होती है। तो आप लोगों की आज सहूलत के लिए, ऐसे मरीज़ जिनमें खूनी बवासीर होती है, हम आज एक सलूशन लेकर आए हैं, बग़ैर ऑपरेशन के रबर से इन मोकों का, इन हेमराइड्स का और ये जो पाइल्स होते हैं, इनका इलाज आपके लिए लेकर आए हैं। हमने हेमराइड्स पर, मोकों पर और इन पाइल्स पर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। बेहतर है कि आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर, हेमराइड्स वाले सेक्शन में जाकर इसके बारे में आप वीडियोस देख सकते हैं, अगर आप इसके बारे में और बहुत कुछ जानना चाहते हैं। ये जो तरीका इलाज जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, इसको बोलते हैं बैरन्स रबर बैंड लाइगेशन। और ये एक ऐसा तरीका इलाज है कि जिसमें ऑपरेशन नहीं करना पड़ता, और कुछ बवासीर की ऐसी कंडीशन होती हैं, ऐसी कंडीशन में बवासीर होता है, अर्ली स्टेज जैसे हो गई, कि उससे इस रबर से इसका इलाज किया जा सकता है। इसमें ऑपरेशन भी नहीं करना पड़ेगा। दूसरा ये है कि इसमें ऑपरेशन की तरह जैसे सुन करते हैं, और जिसमें ये है कि पेशेंट 24 घंटे से ज़्यादा हॉस्पिटल में एडमिट रहता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें बेहोश भी नहीं करना पड़ता, और इसमें यह है कि पेशेंट सर्जन के क्लिनिक में आएगा और उसी वक्त ये प्रोसीजर कराकर घर चला जाएगा। इतना ये इजी है। ऑब्वियसली इस रबर की तरह तो नहीं होगा, लेकिन मेडिकल स्टोर से रबर मिलते हैं, और वो रबर बहुत ही छोटे से माइन्यूट से होते हैं, छोटे से रबर होते हैं, और उनको अप्लाई करने के लिए एक ख़ास किस्म के इंस्ट्रूमेंट मिलता है, और उसके ऊपर उसको माउंट किया चढ़ाया जाता है, और वो जब उसके ऊपर चढ़ाए जाते हैं, उस मोकों के ऊपर जब वो चढ़ जाते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, अगर हम इसको एग्जांपल लें कि हम मल्टीपल इसको करके, इस तरह तो नहीं होता, वैसे एक सिंगल ही रबर होता है, इसके ऊपर जब चढ़ जाता है इसके ऊपर, अब ये डिस्टल वाला हिस्सा, जो आखिरी वाला हिस्सा है रबर के, बाहर वाला हिस्सा जो मोकों के ऊपर चढ़ाते हैं एक औजार के ज़रिए, तो ये हिस्सा यहाँ से इसकी ब्लड सप्लाई रुक जाएगी। जब इसकी ब्लड सप्लाई रुक जाएगी तो ये वहाँ से श्रिंक हो के, श्रिवल हो के ये झड़ जाता है। इस तरह जो मौके का मसला बना हुआ होता है, वो मौके का मसला ख़त्म हो जाता है। इसके दौरान पेन भी नहीं होता, क्योंकि जहाँ से मौका शुरू हो रहा होता है, जहाँ से मौका शुरू हो रहा होता है, उस जगह पे अगर हम टेक्निकली उस जगह पे जाके हम इस रबर को जब हम चढ़ाते हैं, तो उससे ये होता है कि वो उस एरिया में पेन नहीं होता। तो रबर जब उस बेस उस मौके की बेस तक जाता है, वहाँ पे जाके लगता है, तो ये पेनफुल, वर्चुअली पेनफुल नहीं होना चाहिए। इतना इजी और कंफर्टेबल प्रोसीजर है, उसी वक्त हो जाता है, उसी वक्त डिस्चार्ज पेशेंट घर चला जाता है, और पेनलेस प्रोसीजर होता है ये। और जब ये मौके के इसके ऊपर चढ़ जाते हैं, हम कोशिश करेंगे हम आपको वीडियो भी, पिक्चर भी एक दिखा दें इस रबर की, और उसके ऊपर जो इंस्ट्रूमेंट या औजार यूज़ होता है, उसकी भी हम एक वीडियो इधर पिक्चर दिखा दें। जब ये चढ़ जाता है तो कितने दिनों में ये फिर टाइम लगेगा इसको झड़ने में, तो ये 5 to 7 days से लेकर 10 days तक ये श्रिवल ऑफ हो जाता है, झड़ जाता है, नहीं तो 2 हफ्ते तक मैक्सिमम ये जा सकता है। 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये झड़ जाता है, और आपको जो मौके होते हैं, छोटे जो मौके बने होते हैं, उनसे निजात मिल जाती है। किन पेशेंट्स के लिए ये रबर बैंड लाइगेशन की जाती है, ये रबर से मौकों का इलाज किया जाता है? आप लोगों को पता है, जैसे कि 1st degree, 2nd degree, 3rd degree और 4th degree हेमराइड्स होते हैं, तो ये अर्ली फॉर्म जो होती है ना, 1st degree वाली या फिर 2nd degree वाली आप ले लें, क्योंकि वो ब्लीड कर रहे होते हैं, तो उनके ऊपर ये रबर अगर चढ़ा दें तो पेशेंट कंफर्टेबली इससे निजात पा जाता है,
और उसे ऑपरेशन के बहुत बड़े स्ट्रेस से और उस परेशानी से नहीं गुजरना पड़ता जो कि पेनफुल प्रोसीजर है, जिसमें कि ब्लीडिंग के ज़्यादा चांसेस हैं। तो लेकिन ये है कि सिर्फ अर्ली फॉर्म ऑफ हेमराइड्स, जो मौके अभी बन रहे होते हैं और ब्लीडिंग स्टार्ट हुई होती है पहली डिग्री और सेकेंड डिग्री के लिए, ये बेहतर है। प्रोसीजर करते कैसे हैं? इस प्रोसीजर के लिए होता है कि आप पहले तो तैयारी होती है, आपने पखाना करके आना है। ऐसा नहीं है कि आप ये रबर बैंड लें और घंटे दो घंटे के अंदर अंदर, दो घंटे तक एटलीस्ट आपको पखाना नहीं आना चाहिए। दो घंटे से अंदर अंदर अगर आप पखाना करेंगे तो चांसेस हैं कि ये जो रबर हमने चढ़ाया है ना, ये उतर जाएंगे, उतर जाएंगे तो फिर इसका पर्पस ख़त्म हो जाएगा। तो आप स्टूल पास करके आएंगे और ये रबर बैंड लाइगेशन वाला ये प्रोसीजर हो जाएगा। उसके बाद आप दो घंटे तक पखाना ना करें, उसके बाद आप पखाना कर सकते हैं, नॉर्मली पखाना कर सकते हैं, रोके नहीं। बाकी मेजर्स तो आपने करनी है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट इसकी मौकों की चल रही होती है, जैसे कि डाइटरी मॉडिफिकेशन है, आपने हाई फाइबर्स डाइट लेनी है, फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है, सब्जियों का इस्तेमाल करना है, या फिर बाकी आपने कब्ज नहीं होने देनी है, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, वो तो आपने करना ही करना है, लेकिन ये भी साथ इसकी ज़रूरत है। इस प्रोसीजर के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? अगर ये वाला हम करते हैं, अगर हम रबर बैंड लाइगेशन वाला प्रोसीजर करते हैं, तो ये होता है कि बाज़फ़ा पहली तो ये है ऑब्वियसली, अगर सही टेक्निक से ये रबर नहीं चढ़ाया जाता तो ये रबर स्लिप कर जाते हैं, उतर जाते हैं। दूसरा फिर ये होता है कि यहाँ पे सही उस बेस पे अगर नहीं लगाए गए जहाँ से मौका शुरू हो रहा है, वहाँ से नहीं लगाए गए तो फिर इसमें पेन भी हो सकता है। और इसमें फिर ये होता है कि कुछ केसेस में होता है कि माइल्ड ब्लीडिंग सी, थोड़ी सी ब्लीडिंग भी इसमें हो सकती है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं, थोड़ी सी ब्लीडिंग इसमें से हो सकती है। फिर ये होता है कि इस एरिया में ये भी हो सकता है कि जब यहाँ पे ज़ख़म बनता है, जब ये झड़ जाते हैं तो उस जगह पे एनल फिशर जो होता है, फिशर एनो भी बन सकता है। किन पेशेंट्स में ये वाला प्रोसीजर नहीं करना चाहिए? हर पेशेंट कैंडिडेट नहीं है ये वाला प्रोसीजर करवाने वाला। जैसे कि अब फोर्थ डिग्री हेमराइड्स हैं, वो इस पेशेंट के लिए सूटेबल नहीं है। थ्रोम्बोस से हेमराइड्स होते हैं तो उस पे फोर्थ डिग्री वाले जो होते हैं, डिग्री वाले हेमराइड्स होते हैं, उसके लिए प्रोसीजर सूटेबल नहीं है, कंट्राइंडिकेटेड है कि ये बिल्कुल वाला नहीं कराना। ऐसे पेशेंट्स जो ब्लड थिनर्स ले रहे होते हैं, एंटीकोगुलेंट्स ले रहे होते हैं, खून पतला करने वाली मेडिसन वारफेरिन है या कुछ और है वो ले रहे होते हैं, तो उनके लिए भी ये प्रोसीजर सूटेबल नहीं है। और ऐसे पेशेंट्स जिनमें पखाने की नलकी में, पखाने वाली जगह पे इन्फेक्टिव प्रोसेस चल रहा है, कोई इन्फेक्शन है और इनफ्लेम से, थ्रोम्बोस से हेमराइड्स हैं, कोई और इन्फेक्शन है, तो उनमें भी ये प्रोसीजर नहीं करते। फिर इसका एक ये भी नुकसान है, क्योंकि ये सिर्फ अर्ली फॉर्म जो होती हैं हेमराइड्स की, ये तो फ़ायदा है कि उनको ख़त्म कर देगा, लेकिन यह है कि नुकसान यह है कि इसे फिर हमें रिपीट करना पड़ता है, हमें ये प्रोसीजर बार बार करना पड़ सकता है। और एक टाइम में आप सारे मौक़ों को नहीं डील कर सकते। अब तीन मौके प्राइमरी जगह पे होते हैं, थ्री अगर घड़ी बनाते हैं तो 3 पे 7 पे और 11 o'clock पोजीशन पे होते हैं, और इसके अलावा भी छोटे मोटे और हेमराइड्स मौके बने हुए होते हैं। तो एक टाइम में आप एक को रबर चढ़ा सकते हैं या फिर दो मौक़ों पे एक टाइम कर सकते हैं। फिर ये होता है कि हर हफ्ते बाद या दो हफ्ते के इंटरवल के बाद जब पहला सेटल हो जाता है तो फिर हम दोबारा ये प्रोसीजर रिपीट करते हैं। तो इसका ये होता है कि हमें 2 या 3 सेशन इसके हमें करने पड़ते हैं, इसको हमें एक सक्सेसफुल एक इफ़ेक्ट लेने के लिए। फिर भी ये होता है कि अगर ये ट्रीटमेंट की भी जाती है तो भी पेशेंट फिर प्रेजेंट करते हैं 2-3 सालों बाद कि उन्हें दोबारा मौके हुए होते हैं। जो ऐसे पेशेंट, फ़ायदा ये है कि ऐसे पेशेंट जो ऑपरेशन से डर रहे होते हैं और उनमें मौके अभी थोड़े से बने हुए होते हैं, बनना शुरू हो रहे होते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए ये वाला मेथड बहुत अच्छा है। पेशेंट की सेटिस्फेक्शन अच्छी है, कंफर्टेबल है और इसका रिज़ल्ट भी अच्छा आता है। लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कि क्या ये प्रोसीजर बेहतर है, सूटेबल है, शुड पेशेंट गो फॉर दिस प्रोसीजर? यस, अर्ली फॉर्म ऑफ हेमराइड्स की, फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री के जो ब्लीडिंग हेमराइड्स हैं, तो उसके लिए पेशेंट को ये प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए। इसमें फ़ायदा होता है, पेशेंट के रिज़ल्ट आते हैं। लेकिन अगर आप कहें कि इफ़ेक्टिव और
सर्जरी में से, और ये बैरन्स बैंड लाइगेशन रबड़ वाला प्रोसीजर, और दूसरी तरफ है सर्जरी, इन दोनों में से बेहतर क्या है? ऑल दो इसमें जो हेमराइडेक्टमी करते हैं जिसमें सर्जरी वाला प्रोसीजर होता है उसमें थोड़ा सा पेन ज़्यादा होता है, उसमें ब्लीडिंग भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन मौकों का अगर जड़ से खात्मा करना है तो फिर हेमराइडेक्टमी जो ऑपरेशन वाला प्रोसीजर है वो बहुत इफ़ेक्टिव है, एक्सट्रीमली इफ़ेक्टिव है। ऐसे हेमराइड्स जो जान नहीं छोड़ रहे हैं और वो आप उस पर अगर आप रबर वाला प्रोसीजर करते रहेंगे तो फिर आपको ये प्रोसीजर रिपीट कराना पड़ सकता है, साल बाद, दो साल बाद, छः महीने बाद आपको रिपीट करना पड़ सकता है। ऐसे जो स्टबर्न हेमराइड्स होते हैं, जो बहुत ही जान छोड़ने वाले नहीं होते, उनके लिए हेमराइडेक्टमी is best and extremely effective procedure to get rid of these hemorrhoids. Otherwise, initial form है तो उसके लिए Barron's band ligation रबड़ की जो technique है ये effective हो सकती है, और इसके फिर ये है कि पेशेंट को ये वाली जो चॉइस है सर्जन के साथ डिस्कस करते हैं, सर्जन उनको कौंसल करते हैं, बेनिफिट्स और मेरिट्स, डीमेरिट्स और फवायद और नुकसान दोनों आगाह किए जाते हैं, पेशेंट को पेन नहीं होगा, पेशेंट कंफर्टेबल होगा, लेकिन चांसेस हैं कि दोबारा हो जाए, लेकिन ये भी हो सकता है ना हो। ये इनिशियल फॉर्म ऑफ हेमराइड्स की फर्स्ट और अर्ली फॉर्म ऑफ जो सेकंड डिग्री हेमराइड्स होते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी एक ऑप्शन है। तो ये हमने आज आपके साथ डिस्कस किया कि बग़ैर ऑपरेशन मौकों का इलाज पॉसिबल है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी आपको ये मौकों का या खूनी बवासीर का मसला होता है आप अपने जनरल सर्जन से रابطہ करें, मेडिसिन वाले से आप जा सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो प्रोसीजर फिर होता है जनरल सर्जन ने करना होता है। ऑपरेशन हल है या दूसरी चीज़ें हैं उसके लिए एडवाइस के लिए आप जनरल सर्जन से रابطہ करें और बर वक्त इसका इलाज करवाएं ताकि इस मसले से आपको निजात मिले। इससे रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, इससे बेहतर है कि आप हमारे YouTube के चैनल की प्लेलिस्ट है हेमराइड्स की बनी हुई, बहुत सारी बातें हमने इस टॉपिक में डिस्कस नहीं की हैं कि डिग्रीज ऑफ हेमराइड्स क्या हैं, इसकी फुल ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, सर्जिकल ऑप्शंस क्या हैं, उसके लिए आप हमारे उस प्लेलिस्ट को विज़िट करें और उम्मीद है कि आप लोगों को वो पसंद आएगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस टेक्निक से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं एंड वी विल गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच।